हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशाल शाह ट्रेवल। नमस्ते। तो मैं आज एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। पुर्तगाल की टूरिस्ट वीज़ा बहुत आसानी से कैसे ले सकते हो इंडिया से। ऐसे पुर्तगाल की जो टूरिस्ट वीज़ा है वो इतना आसान नहीं है लेना, बट अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पुर्तगाल की टूरिस्ट वीज़ा लेना। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले चाहिए और क्या। फर्स्ट नंबर पे है पासपोर्ट। पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए और लास्ट 2 पेजेस ब्लैंक होना चाहिए, वाइट ब्लैंक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है फोटो। फोटो मैट फिनिश होना चाहिए, 35mm टू 45mm होना चाहिए, HD क्वालिटी होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस फोकस होना चाहिए ही चाहिए। तीसरे नंबर पे है कवर लेटर। कवर लेटर टू द पॉइंट होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और टू द पॉइंट होना चाहिए। और आपका प्रोफाइल को फुल्ली एक्सप्लेन होना चाहिए, आप क्या करते हो, आपका प्रोफाइल क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन होना चाहिए। चौथी नंबर पे है आपका ट्रेवल प्लान एंड ट्रेवल आइटिनरी। आपका ट्रेवल प्लान ट्रेवल आइटिनरी फुल्ली एक्सप्लेन होना चाहिए। डे वाइज प्लान, आप क्या करोगे, कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे विजिट करोगे, क्या कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या करोगे, सब कुछ फुल्ली एक्सप्लेन होना चाहिए। और पांचवी नंबर पे है ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस आपका फुल्ली जितने दिन रहोगे उससे 1 दिन ज़्यादा कवरेज होना चाहिए और 30,000 यूरो मेडिकल कवरेज होना चाहिए चाहिए, मैंडेटरी है। और ये आपको पॉलिसी वजह से आसानी से मिल जाएगा। 6 नंबर पे है एकोमोडेशन। आप होटल भी ले सकते हो, हॉस्टल भी ले सकते हो, ऑलरेडी पेड भी ले सकते हो, डमी बुकिंग भी लगा सकते हो। डमी बुकिंग मीन्स लाइक आपको फ्री बुकिंग मिल जाएगा, वहाँ पर रीच होने के बाद, होटल और हॉस्टल में रीच होने के बाद आपको पे करना पड़ेगा। बहुत आसानी से hostel.com booking.com से मिल जाएगा। 7 नंबर पे है फ्लाइट। फ्लाइट आप ऑलरेडी पेड बुकिंग भी ले सकते हो और डमी टिकट भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि एज यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, सो डमी टिकट लगा दो, वीज़ा आने के बाद आप नया एक टिकट बुक कर लेना, पेड बुकिंग कर लेना। जब तक वीज़ा नहीं आता तो कोई श्योरिटी नहीं है आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर आप ऑलरेडी बुकिंग कर लिया है फ्लाइट टिकट, तो अगर वीज़ा नहीं आता तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से मेरा बेस्ट यही सजेशन रहेगा, डमी बुकिंग कर लो। और डमी बुकिंग yatri.com, मेक माई ट्रिप एंड वीगो, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। 8 नंबर पे है कोविड रिपोर्ट। RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स बिफोर कर लेना, जिसका वैलिडिटी 72 आवर्स होना ही चाहिए। और रैपिड टेस्ट अगर चाहिए देख लेना, अगर रैपिड टेस्ट अगर चाहिए तो कर लेना, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। एंड डबल वैक्सीन होना ही चाहिए, कोविड वैक्सीन डबल डोसेस होना ही चाहिए, ऐसे मैंडेटरी है। 9 नंबर पे है अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपका सैलरी स्लिप 3 to 6 मंथ, बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ विथ सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम बैंक मस्ट होना चाहिए। अगर आप टैक्स पे करते हो या टैक्स की कैटेगरी में आते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2 से 3 साल का होना ही चाहिए। अगर आप टैक्स में कैटेगरी में नहीं आते तो फ्रॉम 16 आपके पास मस्ट होना चाहिए, 2 या 3 साल का या 1 साल की भी चल जाएगा कभी कभी, बट मैं ये बताऊंगा कि आप 2 साल का या 3 साल का ट्राई करें। और आपका जो ऑफिस है, ऑफिस से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो HR के आप बोलोगे HR प्रोवाइड कर देगा हॉलीडेज के लिए। और आपका ID कार्ड मस्ट देना पड़ेगा प्रूफ के लिए। 10 नंबर पे है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अगर आपके पास खुद का कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो कंपनी का 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और आपका पर्सनल 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मस्ट चाहिए।
और बैंक स्टेटमेंट कंपनी के करेंट अकाउंट का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और विथ सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम बैंक एंड पर्सन आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का विथ सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम बैंक मस्ट होना चाहिए। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी दिखा सकते हो, एमएसएमई है तो एमएसएमई भी दिखा सकते हो, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, पार्टनरशिप डीड, म्यूनिसिपल लाइसेंस, कुछ भी अगर आपके पास जो भी आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आप दिखा सकते हो। और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आपका खुद का पर्सनल जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका 3 साल का दिखा सकते हो, हो जाएगा। और बैंक स्टेटमेंट आप करंट अकाउंट का 6 महीना भी दिखा सकते हो और आपका पर्सनल का 6 महीना के भी दिखा सकते हो। अगर आप एक बात याद रखना, अगर आप का कोई पार्टनरशिप कंपनी में आप वर्क करते हो या बिजनेस करते हो तो वहाँ से एनओसी मस्ट चाहिए, एनओसी जो होता है वहाँ से चाहिए वीज़ा के लिए, तो मस्ट याद रखना। 11 नंबर पे है, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपका जो पास्ट का जो डॉक्यूमेंट है, पास्ट जहाँ पर आप जिस भी पोजीशन पे जिस भी कंपनी पे काम करते थे वो सब डॉक्यूमेंट अगर आप दिखा सकते हो तो बेहतर है। और बैंक स्टेटमेंट में आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मस्ट चाहिए। और अगर आपके पास कोई एसेट है, ऐसा कुछ है कि एनी प्रूफ दैट एनी इनमूवेबल एसेट है आपके पास तो आप दिखा सकते हो, ये प्रूफ हो जाता है कि आप घूम के वापस इंडिया पे आओगे, बैक करोगे इंडिया पे। और 12 नंबर पे है, अगर आप फार्मर हो तो आपका जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो एग्रीकल्चर का फार्मिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो आप दिखाइए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का दिखाइए, जो भी पैसा आपको प्रॉफिट होता है वो सब दिखाइए आप। और आप जे फॉर्म मस्ट दिखाइए, वो चाहिए मस्ट चाहिए जे फॉर्म। और 13 नंबर पे है आपका बोनस टिप, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा सकते हो वीज़ा के लिए, वीज़ा अगर ये सब डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो वीज़ा का थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, वीज़ा मिलने में थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसमें एक है कि सीए रिपोर्ट लगा सकते हो, सीए नेट वर्थ रिपोर्ट लगा सकते हो, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो, एसेट का वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो, और म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट वो भी लगा सकते हो, एफडी में कोई इन्वेस्टमेंट है, आरडी में या एलआई में कोई इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी लगा सकते हो। और अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट लगाना, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट लगाने से आपका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एमबीसी यही सोचता है कि जो लोग वहाँ पर जाएगा तो वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि उसका वाइफ है यहाँ पर, मस्ट आएगा, तो एक बहुत बढ़िया प्रूफ है। अगर मेरी सर्टिफिकेट आपके पास है तो मस्ट लगा देना, बहुत बढ़िया रहेगा। 14 नंबर पे है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हो, अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन कॉल करके भी ले सकते हो, ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट में आप जाके भी ले सकते हो, बुक कर सकते हो। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर लेना है, उसके बाद वहाँ पर जाना है, जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, बायोमेट्रिक करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है, और 1-4 वीक्स में आपका वीज़ा, आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगा अगर होम डिलीवरी आप बुकिंग किया है, और अगर नहीं किया है तो आप जाके भी ले सकते हो, आपको कॉल आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स, फ्रेश पासपोर्ट वर्सेस नॉन फ्रेश पासपोर्ट। और अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है या आपका फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा है, इंडिया के साथ बहुत अच्छा टाइप से आपका बिजनेस है, बहुत बढ़िया आपका फिनेंशियल सिचुएशन है इंडिया में, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट में शेंगेन वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आपका फिनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है कि आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, अच्छा वाला जॉब भी नहीं है, आपका इंडिया के साथ इतना अच्छा टाइप्स भी नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो बेहतर है, ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर नहीं है तो फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप थोड़ा फिनेंशियल सिचुएशन अच्छा करके भी ट्राई कर सकते हो, वो बेहतर रहेगा। और सेकंड पे आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट देखो, बैंक स्टेटमेंट जो है ना, बैंक स्टेटमेंट
सिक्वेंसली होना चाहिए, सिक्वेंसली ट्रांजेक्शन होना चाहिए, रेगुलरली ट्रांजेक्शन होना चाहिए, रेगुलरली सिक्वेंसली ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सडनली 2 लाख सडनली किसी ने डाल दिया पर और 2 दिन बाद 3 लाख डाल दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे होगा तो MBC को डाउट हो जाए कि आप जाने वाले हो, नहीं आने वाले नहीं हो। तो बैंक बैलेंस आपका सिक्वेंसली होना चाहिए। और वीज़ा कितना टाइम लग सकता है वीज़ा आने में? वीज़ा देखो डिपेंड करता है MBC के ऊपर, कभी कभी 1 वीक में हो जाता है, कभी कभी 2 दिन में भी वीज़ा आ जाता है, कभी कभी 3 वीक्स या 4 वीक्स भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है MBC के ऊपर। तो MBC का इंटेंशन अगर क्लियर है कि MBC को, अगर तुम्हारा इंटेंशन अगर क्लियर है कि MBC को समझा दिया कि कन्विंस कर ले कि मैं जाने वाला हूँ घूम के वापस आने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो अगर वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और डिपेंड करता है MBC के ऊपर, जो वीज़ा देने वाला है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो 1 वीक टू 3 वीक्स में आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पुर्तगाल की टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन हिट कर देना, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है ना यूरोप का, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है। तो अगर आप बेल आइकॉन हिट कर दोगे ना तो वीडियोस जो आने वाला उसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। तो और प्लीज़ अगर आपको मेरा एफर्ट बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि कोई नया वाला कंटेंट लेके मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मैसेज भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम जो ID है वहाँ पर फ्लैश हो रहा है, तो वहाँ पर जाके आप मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरीज है, और कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा वाला कंटेंट लेके मैं आऊँ नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।